हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आवर टूडेज टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग लिमिटिंग रिएजेंट, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी बिकॉज इट इज टी टाइम। ओके, माई टेस्ट इज, अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, वी कैन प्रिपेयर वन कप ऑफ टी बाई यूजिंग वन टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ टी लीव्स। इट इज माई टेस्ट। ओके, देन वी कैन प्रिपेयर वन कप ऑफ टी। बट देर इज ए प्रॉब्लम, आई हैव सफिशियंट शुगर, शुगर इज सफिशियंट, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव ओनली वन टेबल स्पून फुल ऑफ टी लीव्स। शुगर इज सफिशियंट बट टी लीव्स इज ओनली वन टेबल स्पून। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी कप ऑफ टी कैन बी प्रिपेयर्ड? I have sufficient sugar, almost 1 kg, okay? But tea leaves, I have only 1 tablespoon of tea leaf. These quantities are present, okay? How many cup of tea can be prepared? How many cup of tea can be prepared? This is the ratio which I like in tea, 1 tablespoon of sugar and half tablespoon of tea leaves to prepare 1 cup of tea. Okay, but now I have sufficient sugar, there is no problem of sugar, but I have only 1 tablespoon of tea leaves. So can you tell me how many cup of tea can be prepared? Yes, you can easily guess that half tablespoon of tea leaves is required to prepare 1 cup of tea. So 1 tablespoon of tea leaves can prepare 2 cup of tea. Okay, the answer is 2 cup. You can prepare 2 cup of tea using these materials. Okay, sugar is sufficient, sugar is in excess, so sugar remains unused after making 2 cup of tea. But the tea leaves are completely consumed. They are completely used to prepare 2 cup tea. So in this case, we can say the tea leaves is the limiting reagent. It is the limiting reagent. Why? Because the amount of tea leaf controls or limits the amount of the product. How many cup of tea will be prepared is decided or limited by the amount of the limiting reagent, that is the reactant which is present in a smaller amount. Okay, so what is the limiting reagent? So we can say now the limiting reagent is that reagent means starting material of any reaction which gets completely consumed, and limits the amount of product. Means the reagent which is completely consumed in the reaction and also limits the amount of the product is called limiting reagent. Okay, तो हमारे पास में जो है एक चम्मच जो है टी लीव्स हैं और आधा चम्मच टी लीव्स से हम एक कप चाय बनाते हैं, तो एक चम्मच टी लीव्स से हम दो कप चाय बना सकते हैं. Sugar is present in excess, so कितने कप चाय बनेगी ये शुगर पर डिपेंड नहीं करेगा. शुगर तो एक्सेस में प्रेजेंट है, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं. तो शुगर तो हमें 2 कप के लिए 2 टेबल स्पून चाहिए, तो 2 टेबल स्पून यूज कर लेंगे. बट टी लीव्स लिमिटेड है, सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में व्हेन द अमाउंट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर गिवन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिसाइड व्हिच रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट इज
दैट रिएजेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, पूरी तरह से रिएक्शन में यूज हो जाता है. एंड द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स हम जो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे. तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसे जो है एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर. सेकंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ एयर एंड द थर्ड वन 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ एयर. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, देखिए व्हेन कार्बन इज बर्नड इन एयर CO2 इज प्रोड्यूस्ड, C+O2 इज इक्वल टू CO2. इन दिस रिएक्शन 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मोल CO2. तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन एंड 1 मोल CO2 इज प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर. तो इन दिस क्वेश्चन एयर इज प्रेजेंट इन सफिशियंट क्वांटिटी. ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द कार्बन. व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, बर्नड इन एयर कोई अमाउंट नहीं दी हुई है हमें एयर की, दैट मीन्स एयर इज प्रेजेंट इन एक्सेस. सो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन, दैट इज 1 मोल. तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है हमें वो कार्बन से कैलकुलेट करनी है, यानी 1 मोल कार्बन से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा. तो दिस इज 1 मोल, इसे चेंज कर लेते हैं ग्राम में. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, टू ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 44 ग्राम. तो इन दिस केस 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम. तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट जो है आपका वो कार्बन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एयर में एक्सेस में प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज, यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कार्बन है. सेकंड में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी किसी रिएक्शन में आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं एंड द अमाउंट ऑफ 2 or more रिएक्टेंट्स आर गिवन, देन यू विल हैव टू फर्स्ट डिसाइड विच रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, देन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. सबसे पहले आपको जो है लिमिटिंग रिएजेंट उसमें जो है आपको फाइंड आउट करना है. C+O2 इज इक्वल टू CO2, कार्बन 1 मोल. इक्वेशन में जो आप देखेंगे ना बैलेंसिंग, यहाँ पे कॉफिशियंट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम 1 लेते हैं कॉफिशियंट. तो 1 मोल कार्बन है और ये 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल CO2. अब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है 16 ग्राम, तो पहले इक्वेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 मोल कितना होगा, 32 ग्राम. भाई O2 है 16 × 2, तो 32 ग्राम. अब आप देख लीजिए 1 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है. 1 मोल कार्बन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 32 ग्राम से. 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन. मींस 1 मोल कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, बट वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास और हमें 1 मोल कार्बन को नीड है 32 ग्राम ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन हमारे पास में लेस अमाउंट में है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी. 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है एंड वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑक्सीजन. सो ओनली 0.5 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट. So 16 ग्राम O2 विल रिएक्ट विद 0.5 मोल कार्बन. 16 ग्राम ऑक्सीजन 0.5 मोल कार्बन से रिएक्ट करेगी. तो जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ यहां पर, O2. सो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, क्योंकि O2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. हमारे पास 1 मोल कार्बन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करने को 32 ग्राम ऑक्सीजन की नीड है, बट वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑक्सीजन.
सो 16 ग्राम ऑक्सीजन विल रिएक्ट ओनली विद 0.5 मोल कार्बन और 0.5 मोल कार्बन विल लेफ्ट अनरिएक्टेड. सो हियर द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इज द ऑक्सीजन. सो लिमिटिंग रिएजेंट इज O2. तो CO2 की जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल 44 ग्राम अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, तो CO2 की अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट से. मींस हमें कैलकुलेट करना है कि CO2 16 ग्राम O2 से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा. तो देखिए 32 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है. 32 ग्राम O2 गिव्स CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम. देन 1 ग्राम O2 विल गिव 44 अपॉन 32 एंड 16 ग्राम O2 44 अपॉन 32 इंटू 16, 16 टू जा 22, इट कम्स आउट टू 22 ग्राम CO2. ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड. 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब मोल्स ऑफ कार्बन जो यहां पर इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है 44 ग्राम. 1 मोल मींस 44 ग्राम. नाउ वी हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. ऑक्सीजन 32 ग्राम होती है 1 मोल जो इक्वल होती है. तो जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है दैट इज सफिशियंट टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन, बट वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 32 ग्राम O2 reacts with carbon is equal to 1 mole. तो जरा कैलकुलेट करिए 16 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी. 16 ग्राम O2 reacts with carbon is equal to 0.5 mole, हाफ हो जाएगा, 32 का हाफ 1 का हाफ. तो 16 मोल O2 जो है वो रिएक्ट करेगी 0.5 मोल कार्बन से, और कार्बन कितना है हमारे पास 2 मोल. वी हैव 2 मोल कार्बन एंड 16 ग्राम O2. तो कौन सा रिएजेंट जो है वो स्मॉलर अमाउंट में, कौन सा रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 ग्राम O2, क्योंकि 16 ग्राम O2 0.5 मोल कार्बन से रिएक्ट करेगा. कार्बन है 2 मोल, तो 1.5 मोल कार्बन जो है वो अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा. देन हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन. हियर ऑल्सो द लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन. नाउ we can calculate the amount of CO2 from the 16 gram of O2, same. So mass of CO2 produced from 16 gram of O2 is equal to 32 gram से कितना CO2 produce हो रहा है, 44, half कर दीजिए 16 से कितना produce होगा, 22 gram. It is 22. Okay. Now we come to the next question. Now we take the next problem. In a reaction, A plus B2 is equal to AB2. Identify the limiting reagent of the following mixtures. We take the first part. देखिए A plus B2 is equal to AB2. A is 1 mole. B2 is also 1 mole and the product is 1 mole. Means 1 mole of A reacts with 1 mole of B2 to produce 1 mole of AB2. In part first, we have 300 atoms of A and 200 molecules of B. अब बताइए दोनों का 1-1 mole, 1 mole of A reacts with 1 mole of B2. Means equal moles or molecules, atoms or grams, equal amount में react कर रहे हैं A और B2, 1:1. तो 300 atoms of A, 200 atoms molecules of B. A के 300 atoms और बी के हैं 200 मॉलिक्यूल्स. तो बताइए विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो हियर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी विल रिएक्ट 200 एटम्स ऑफ ए, बिकॉज 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल. तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ऑफ बी रिएक्ट विद 200 एटम्स ऑफ ए. सो ए इज इन एक्सेस. जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, ए के मॉलिक्यूल्स अनरिएक्टेड बचे रह जाएंगे. तो जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो हियर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट. वी टेक द सेकेंड
टू मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ थ्री मोल ऑफ बी टू. अब ए के टू मोल, बी के थ्री टू मोल. अब हमने बताया ए का वन मोल जो है बी के वन मोल से रिएक्ट करता है, तो ए का जो टू मोल है बी के टू मोल से रिएक्ट करेगा. सेकंड केस में क्या है आपका, ए का वन मोल से रिएक्ट कर रहा है, ये तो कंफर्म है वन मोल ए बी टू बन रहा है. हमारे पास जो है ए का है टू मोल, ओके, और बी का है थ्री मोल. तो जब दोनों ये वन मोल से रिएक्ट करता है तो ए का टू मोल बी के टू मोल से रिएक्ट करेगा, तो ए विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड बी विल बी अनरिएक्टेड. वन मोल ऑफ बी विल बी अनरिएक्टेड. सो हियर ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ए जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. थर्ड केस में देखिए, 100 एटम्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. भाई वन एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ बी टू, तो यहां पे 100 एटम्स ए के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स बी टू के, कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे. नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज 100 एटम्स ऑफ ए विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, क्योंकि वन मोल से रिएक्ट करता है. इक्वल इक्वल है, कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे दोनों. देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस. नाउ द केस फोर्थ, यहां लेते हैं केस फोर्थ. 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी. देखिए ए प्लस बी टू, ए बी टू भाई वन मोल से रिएक्ट करता है. ए का वन मोल बी के वन बी टू के वन मोल से रिएक्ट करता है, तो ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल हमें गिविन है. गिविन ए के गिविन है 5 मोल एंड बी के 2.5 मोल. रिएक्ट करता है इक्वल मोल, वन मोल वन मोल. तो आप देख लीजिए बी के 2.5 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे, 2.5 मोल ऑफ ए. बी के 2.5 मोल 2.5 मोल ऑफ ए से रिएक्ट करेंगे, तो बी विल बी टू विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. तो हियर बी टू इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम H2 एंड 100 ग्राम O2 इज इग्नाइटेड सो दैट H2O इज प्रोड्यूस्ड. हाउ मच H2O इज प्रोड्यूस्ड. तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको जो है दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होता है, तो उन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसमें से फाइंड आउट करना है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसमें डिसाइड करना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. तो इट इज 2 मोल. भाई ये जो कॉफिशियंट होते हैं ना ये मोल्स होते हैं. हाइड्रोजन इज 2 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल एंड वाटर इज 2 मोल. हमें अमाउंट्स ग्राम में गिवन है तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं मोल को, मोलर मास में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2H2 का मोलर मास आपको पता है, H का 1 होता है, H2 है तो 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम. एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, ओके. एंड द वाटर प्रोड्यूस्ड इज H2 का मीन्स 2 इंटू 1 प्लस O 16, इट इज 36 ग्राम. मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आइदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. देखते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन. हमारे पास 100 ग्राम हाइड्रोजन है, 100 ग्राम ऑक्सीजन है. देखते हैं किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं. 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम. 1 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद O2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू 8 ग्राम.
1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम O2 एंड वी हैव 100 ग्राम हाइड्रोजन. देखते हैं 100 ग्राम हाइड्रोजन कितने से करेगा. 100 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद O2 इज इक्वल टू 8 × 100. दैट मीन्स 800 ग्राम. दैट मीन्स 100 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 800 ग्राम ऑक्सीजन टू रिएक्ट कंप्लीटली. बट वी हैव ओनली 100 ग्राम ऑक्सीजन. दिस 100 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 800 ग्राम ऑक्सीजन टू रिएक्ट कंप्लीटली बट वी हैव ओनली 100 ग्राम ऑक्सीजन. तो विच रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. इट इज द ऑक्सीजन. यानी हमारा जो ऑक्सीजन है वो 800 होना चाहिए 100 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए, बट इट इज ओनली 100 ग्राम. सो ऑक्सीजन विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन. ओके, तो वॉट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस. इट इज द ऑक्सीजन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. 100 ग्राम हाइड्रोजन है, 800 ग्राम ऑक्सीजन की नीड है, बट वी हैव ओनली 100 ग्राम ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. 100 ग्राम ऑक्सीजन विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन विद 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो हियर द ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट इज O2. नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन के अमाउंट से लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट से ही प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है. तो हमें ऑक्सीजन से कैलकुलेट करना है 100 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर बना. तो यहां से लेते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर प्रोड्यूस होता है. 36 ग्राम. 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम. ओके, 1 ग्राम O2 produces water 36/32 and we have 100 ग्राम of oxygen. Okay, which is the limiting reagent. तो 100 ग्राम ऑक्सीजन produce water 36/32 × 100 and we can calculate this and it is 112.5. ऑलमोस्ट 112.5 ग्राम. तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में जब आपको दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, जैसे यहां पर गिवन है हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी, तो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, नाउ we take one more problem. Next question: how much CO is produced from the reaction of 1 kg of octane C8H18 and 1 kg of O2? देखें आप, दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई है. मैंने अभी बताया जब भी आपको दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो तो फर्स्ट वर्क इज टू डिसाइड विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्टेन एंड O2. ऑक्टेन इज C8H18 प्लस O2. द प्रोडक्ट इज CO प्लस H2O. देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, बट इन दिस केस द प्रोडक्ट इज CO एंड H2O. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको जो है पूछा है हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर विल प्रोड्यूस. नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन. 16 18 H2O. ओके, राइट द मोल्स एंड द मासेस. इट इज 2 मोल. इट इज 17 मोल्स, 16 मोल्स एंड 18 मोल्स एंड द मोलर मास 12 × 8. कार्बन 12 होता है एटॉमिक मास. 18 × 1 आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट 228 ग्राम. इट इज 17 × ऑक्सीजन 32 होता है, 2 ×
16, it is 544 gram. And the carbon monoxide, carbon 18 into 16, 448. And now we have 1 kg of octane and 1 kg of O2. So first of all, we check which one is the limiting reagent. So 228 gram of octane reacts with 544 gram of O2. So pata karte hai, 1 kg octane kitne O2 se react karta hai? 228 gram C8H18. Reacts with O2 is equal to 544 gram. 1 gram of octane reacts with O2 544 upon 228. And we have 1 kg. 1 kg means 1000 gram. 1000 gram O2 octane reacts with O2 544 upon 228 into 1000. Okay. Now कैलकुलेट कर लेंगे एंड कैलकुलेट करने पर आपको जो है ये 2.38 केजी 2380 ग्राम देन 1 केजी 1000 ग्राम और 1 केजी ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर्स 2.38 केजी ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्ट कंप्लीटली बट वी हैव ओनली 1 केजी ऑफ ऑक्सीजन दिस 1 केजी ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर्स 2.38 kg of oxygen to react completely. But we have only 1 kg of oxygen, so oxygen is present in less amount. So oxygen will be completely consumed and octane will be remained unreacted after the reaction. So the reagent which is completely consumed is oxygen in this case. So what is the limiting reagent? O2. O2 is the limiting reagent. So we can calculate the amount of CO produced from the amount of O2. हमेशा limiting reagent की amount से product की amount calculate करते हैं. तो हम O2 की amount से carbon monoxide की amount calculate करेंगे. Then 544 gram O2 gives 448 gram carbon monoxide. 544 gram O2 produce carbon monoxide is equal to 448 gram. 1 gram O2 produce CO 448 upon 544. We have 1 kg of O2 means 1000 gram. 1000 gram O2 448 upon 544 into 1000 gram is equal to. How much CO is produced? It is 823.53. You can calculate this. Okay. Now we take one more question. Next question is, when copper is heated with an excess of sulfur, copper sulfide is formed, Cu2S. How many gram of copper sulfide could be produced if 100 gram of copper is heated with 50 gram of sulfur? देखिए यहाँ पे भी दोनों reactant का amount given है. तो first of all, limiting reagent is decided. Cu plus S is equal to Cu2S. Balance कर लेते हैं. 2Cu plus S is equal to Cu2S. It is 2 mole, 1 mole and 1 mole. Okay. 2 mole, 1 mole, 1 mole. Now convert it into gram because the amount given is in gram. 2 mole of copper. Copper, the atomic weight is 63.5. Then 2 mole 127 gram. Sulfur is 32 gram. And what is the copper sulfide? Cu2. Then 2 into 63.5 plus 32 and it becomes 159 gram. We are given 100 gram of copper is heated with 50 gram of sulfur. Here
127 ग्राम कॉपर रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 100 ग्राम कॉपर कितने सल्फर से रिएक्ट करेगा। 127 ग्राम Cu रिएक्ट्स विद सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम। 1 ग्राम कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 127 ग्राम। एंड 100 ग्राम कॉपर, 100 ग्राम कॉपर रिएक्ट्स विद 32 अपॉन 127 इंटू 100, ओके 25.197 ग्राम। देन 100 ग्राम कॉपर रिएक्ट्स विद 25.197 ग्राम ऑफ सल्फर। 100 ग्राम कॉपर है हमारे पास, 50 ग्राम सल्फर है, 100 ग्राम कॉपर सिर्फ 25.197 यानी 50 में से सिर्फ 25.197 ग्राम सल्फर से रिएक्ट करेगा, रेस्ट ऑफ द सल्फर विल बी अनरिएक्टेड। देन विच रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, इट इज कॉपर। 100 ग्राम कॉपर सिर्फ 25.197 ग्राम सल्फर से रिएक्ट करेगा तो कॉपर विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड सल्फर विल रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन। सो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज कॉपर, limiting reagent is copper. So we can calculate the amount of Cu2S from the amount of copper. Product की amount हमेशा limiting reagent की amount से calculate करते हैं. Now we can calculate the amount of Cu2S produced from the amount of copper. That is we will have to calculate the amount of Cu2S from 100 gram of copper. देखते हैं, देखिए 127 gram copper से 159 gram Cu2S produce होता है। 127 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस Cu2S इज इक्वल टू 159 ग्राम। 1 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस 159 अपॉन 127 एंड 100 ग्राम, क्योंकि हमें तो 100 ग्राम से कैलकुलेट करना है तो 100 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस Cu2S इज इक्वल टू 159 अपॉन 127 इंटू 100 ग्राम एंड इट इज 125 ग्राम। सो हियर द अमाउंट ऑफ Cu2S प्रोड्यूस्ड विल बी 125 ग्राम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।